तो खुद पीटीआई ने हुकूमत में आने से पहले और जब हुकूमत आई इमरान खान साहब इलेक्ट हुए वजीर आजम, तो उस वक्त उन्होंने खुद भी यही कहा था कि दे विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, और इन्होंने कहा कि जी जो पुराना पाकिस्तान है उसकी तरह नया पाकिस्तान नहीं होगा, ये टोटली एक चेंज जो है आप फील करेंगे और वजीर आजम जो है आएंगे। हालांकि यूसुफ रजा गिलानी साहब जो वजीर आजम थे तो वो मुस्तकिल सबसे रेगुलर असेंबली में आते जी, तो ये अनफॉर्चुनेट है कि गुज़िश्ता दौर में या मुख्तलिफ अदवार में वज़ीर आज़म उस तरह से ऐवान में नहीं अपनी प्रेजेंस उन्होंने शो की। तो पार्लियामेंट को मजबूत बनाना, स्ट्रेंथन करना, ये जो हुकूमत होती है ना ये हुकूमती ट्रेजरी बेंचेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने, क्योंकि आप दौरे करें, बैरून मुल्क दौरे कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, अब चीन जा रहे हैं, इन चीज़ों के ऊपर ऐवान को एतमाद में लें। आईएमएफ के पास गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वजीर ख़जाना आए और एक स्पीच की और चले गए, एंड आफ्टर दैट ही डिडंट इवन हैव द कर्टेसी टू वेट एंड लिसन टू द अपोजिशन। आप सुने तो सही ना, आप अपनी बात कह के निकल के चले गए, तो ये कोई तरीका और ये अंदाज जो है ये कोई रवैया, मेरा ख्याल रवैयों का इशू है।